आधुनिक भारत का तीसरा चैप्टर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार डिस्कस करने हम जा रहे हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी तोड़ने को अस्वीकृत कर देने के बाद सिराजुद्दौला ने किस वर्ष कलकत्ता पर आक्रमण किया? 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। कोई जरूरी नहीं है कि ये डिटेल देखे ही आपसे प्रश्न पूछा जाए, सुमेलित करने में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर किस वर्ष आक्रमण किया। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी? तो ये अली नगर की संधि थी। अली नगर की संधि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य 1757 में हुई थी। प्लासी का अल्पकालिक ऐतिहासिक युद्ध किस तिथि को लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया था, जून की छुट्टियां उस समय चल रही थी, 23 जून था जब ये युद्ध हुआ। मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से कंपनी ने कब हटा दिया? तो 5 अक्टूबर 1760 को कंपनी ने हटा दिया था मीर जाफर को। बक्सर के युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो इलाहाबाद की संधि हुई और इससे बक्सर की युद्ध की समाप्ति हो गई, बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो सूरत में की थी। कंपनी ने 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? तो ये बालासोर उड़ीसा। बालासोर कहां है? उड़ीसा में। जब आपसे पूछा जाएगा भारत में तो सूरत में हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा पूर्वी भारत में पहली तो बालासोर उड़ीसा में हो जाएगा। अंग्रेजों को 1691 ईस्वी में औरंगजेब ने बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान किया था। पहला ये फैक्ट है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन ये अधिकार समाप्त किसने किया 1713 में? तो ये था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने अंग्रेजों से ये अधिकार छीन लिया था, ये अधिकार समाप्त कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को गोविंदपुर, कोलकाता और सुतानाटी की जिम्मेदारी किस वर्ष मिली? तो 1698 ईस्वी में ये जो जिम्मेदारी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी। अगला प्रश्न है, सेंट फोर्ट विलियम की स्थापना की नींव किसने रखी थी, या सेंट फोर्ट विलियम की स्थापना किसके द्वारा शुरू की गई थी, नींव किसने रखी थी? तो यह था जॉब चारनॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 1765 ईस्वी में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? तो यह शाह आलम था। अब एक प्रश्न देखिए, अभी ऊपर आया था इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट को कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए थे? तो ये क्षेत्र थे इलाहाबाद और कड़ा, ये दोनों क्षेत्र इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट को प्राप्त हुए थे। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स था जिसने द्वैत शासन की समाप्ति बंगाल में की थी। 14वां प्रश्न है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में किसे नायब दीवान नियुक्त किया? तो ये मोहम्मद रजा खां था। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में किसे नियुक्त किया, तो ये राजा सिताब राय था। मोहम्मद रजा खां को बंगाल में, राजा सिताब राय को बिहार में क्या नियुक्त किया गया? दीवान। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव ने नायब निजाम किसे नियुक्त किया? तो ये रजा खां को नियुक्त किया था नायब निजाम। मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये नजीमुद्दौला बना था। कौन बना? नजीमुद्दौला। बंगाल के नवाब का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1772 में बंगाल के नवाब का पद समाप्त कर दिया गया। चौथा चैप्टर है, भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे अन्य कोई परीक्षा हो। पहला प्रश्न है कि 1761 ईस्वी में राजस्व परिषद की स्थापना कहां की गई थी? तो मुर्शिदाबाद और पटना में। ये राजस्व परिषद 1771 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए थे। दूसरा प्रश्न है, भू राजस्व पहली बार कहां लागू हुआ? तो वर्धमान और मिदनापुर जिले में 1762 में लागू किया गया। पहले राजस्व परिषद की स्थापना हुई 1771 में बाद में, लेकिन उसके पहले ये भू राजस्व की व्यवस्था जो है, भू राजस्व पहली बार लागू हो चुका था। ये 1771 तो बाद में आया है, सॉरी। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में स्तंभरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड कार्नवालिस था, इसने किया था। और स्तंभरारी पद्धति का स्वरूप निर्धारण किसने किया? तो ये सर जॉन सोर था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर जॉन सोर ने इस जो पद्धति थी स्तंभरारी, इसका स्वरूप निर्धारित किया था। अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम कब लागू किया गया? तो 1793 ईस्वी में 1 मई को इसे लागू किया गया था। और किसके साथ किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जमींदारों के साथ अस्थाई कर दिया गया था बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक थॉमस मुनरो, बहुत इंपॉर्टेंट। बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी किसके द्वारा लाई गई? तो एल्फिंस्टन के द्वारा लाई गई। किसके द्वारा? एल्फिंस्टन के द्वारा बंबई में
रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था लाई गई। तब मुंबई बंबई हुआ करता था। थॉमस मुनरो तथा रीड की अनुशंसा पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। कहां पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो और रीड की अनुशंसा पर लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कंपनी कितने प्रतिशत भू राजस्व वसूलती थी? तो ये 33%। कितना ज्यादा हुआ करता था? 33%। 1836 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार का कार्य किन दो व्यक्तियों के निर्देशन में हुआ? तो विंगेट और गोल्ड स्मिथ, ये दो लोगों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार का कार्य किया था, इन्हीं के निर्देशन में हुआ था। भारत में किस क्षेत्र में राजस्व के लिए महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई? तो महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर भारत में लागू किया गया। कहां पर लागू किया गया? उत्तर भारत में। महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात होल्ट मैकेंजी ने किया था। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू की गई थी। कब लागू की गई? 1822 में। सूत्रपात किया होल्ट मैकेंजी ने। उत्तर भारत में लागू हुई थी महलवाड़ी व्यवस्था। अधिनियम के तहत उसे गंगा के दोआब, पश्चिमोत्तर प्रांत और मध्य भारत के कुछ भागों तक, पंजाब में इसको लागू किया गया था। तो ये पूरे क्षेत्र थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। ब्रिटिश भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में लगान की कौन सी व्यवस्था लागू थी? सबसे बड़े क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, महलवाड़ी नहीं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। चाय और पटसन पर आंशिक निर्यात शुल्क किस वर्ष लगाया गया? तो 1922 ईस्वी में चाय और पटसन पर आंशिक निर्यात शुल्क लगाया गया था। भारत में किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक पूंजी निवेश किया गया? तो चाय के लिए किया गया। चीन के साथ व्यापार संतुलन के लिए भारत में किस फसल की खेती को प्रोत्साहन किया गया? तो यह दिया गया था प्रोत्साहन, अफीम की खेती को प्रोत्साहित किया गया था चीन के साथ व्यापार संतुलन के लिए। 1901 ईस्वी में भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित थे? तो लगभग 63.7 यानी 64% के लगभग लोग कृषि व्यवस्था पर आधारित थे। 1930 के दशक में अंतिम वर्षों में कितने प्रतिशत भूमि पर उन्नत बीज का उपयोग हो रहा था? तो केवल 11%। 1930 आ गया लेकिन केवल 11%। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अब अभी भी क्या 100% उपयोग होता है? नहीं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर अभी वही ट्रेडिशनल चीजें यूज होती हैं और बीज भी उन्नत किस्म के कंपनियां तो बताती हैं लेकिन वो डुप्लीकेट बीज होते हैं, उतने अच्छे बीज नहीं होते हैं। भारत में नए भूमि बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो 1765 ईस्वी में। इस्तमरारी पद्धति पर आधारित अस्थाई बंदोबस्त का प्रारूप किसने निर्मित किया था? तो सर जॉन सोर ने, ऊपर भी हमने डिस्कस किया है। और ब्रिटिश शासनकाल में कितनी प्रतिशत भूमि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत थी? तो 50 से ज्यादा, आधे से ज्यादा, 52% भूमि ये इसके अंतर्गत आती थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत। एक चैप्टर और डिस्कस करते हैं, ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध। 1762 ईस्वी में नेपाल पर पहला आक्रमण किसकी ओर से किया गया? तो नेपाल पर मीर कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था 1762 में। दूसरा प्रश्न है कि 1801 ईस्वी में भारत के किस क्षेत्र पर नेपाल ने अधिकार कर लिया था? तो गोरखपुर पर कर लिया था। आंग नेपाल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करता था। संगोली की संधि को नेपाल दरबार में किस वर्ष स्वीकृति प्रदान की गई? तो मार्च 1816 में। इंपॉर्टेंट यह है कि सन भले ही आप भूल जाए, संगोली की संधि किससे संबंधित है? तो नेपाल दरबार ने किस वर्ष स्वीकृति प्रदान की है? नेपाल से संबंधित है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल ये लॉर्ड एम्सहर्स्ट था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो इसी लॉर्ड एम्सहर्स्ट को प्रदान की गई थी, ब्रिटिश सरकार ने प्रदान की थी अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि। यंदाबू की संधि किस वर्ष संपन्न हुई? यंदाबू की संधि 1826 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित संपूर्ण समुद्री तट पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था? तो द्वितीय आंग्ल बर्मा जो युद्ध हुआ, इसके बाद में बंगाल खाड़ी के पूर्व में स्थित जो भी समुद्र तट है उसमें अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय बर्मा का शासक तो ये थीवा हुआ करता था, जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 14 दिनों तक चला था। 1885-86 में ब्रिटिश व्यापार मंडल को तिब्बत आने की आज्ञा किसने प्रदान की थी? तो ये चीन की सरकार थी जिसने ब्रिटिश व्यापार मंडल को तिब्बत आने की आज्ञा प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट है, कौन थी? चीन की सरकार थी। आगे हम बात करते हैं, 1898 ईस्वी में दलाई लामा ने किस देश की बौद्ध जनता से धार्मिक कार्यों में अनुदान देने का अनुरोध किया था?
तो ये रूस की जनता से उन्होंने कहा था कि धार्मिक कार्य के लिए अनुदान दीजिए, तो ये दलाई लामा थे। तिब्बत के लिए यंग हस्बैंड मिशन किस वायसराय द्वारा भेजा गया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा भेजा गया। कहां भेजा गया? तिब्बत, ध्यान रखिएगा। आंग्ल तिब्बत युद्ध की समाप्ति के लिए दलाई लामा के प्रतिनिधि और अंग्रेजों के बीच ल्हासा की संधि कब संपन्न हुई, तो ल्हासा की संधि किसके किसके बीच हुई थी? दलाई लामा के प्रतिनिधि और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, और ये संधि हुई थी 1904 में 7 सितंबर को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड था। जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ तो ऑकलैंड था, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। प्रथम आंग्ल अफगान ये होगा, आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब शुरू हुआ उस समय तो लॉर्ड ऑकलैंड था, लेकिन जब समाप्ति हुई तो लॉर्ड एलनवेरो था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो था हुआ, इसमें अफगान विद्रोहियों ने किस स्थान पर अंग्रेजी सेना को पराजित किया और भारत की ओर वापस जाने के लिए बाध्य कर दिया? तो ये बेमरू स्थान था जहां पर अफगान विद्रोहियों ने अंग्रेजों की सेना को पराजित करके भारत की ओर वापस भेज दिया था। लैम्बर्ट ने वर्मा के जिस शाही जहाज का अपहरण किया था उसका नाम क्या था? तो ये था रॉयल एलोसिप। सिंध के मार्ग से अंग्रेजी सेना ना तो कोई अभियान करेगी और ना ही सिंध के मार्ग से युद्ध सामग्री भेजी जाएगी। इस बात के लिए सिंध के अमीर के साथ अंग्रेजों ने किस वर्ष संधि की थी? 1832 में ऐसी संधि सिंध के अमीर के साथ अंग्रेजों ने कर ली थी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के सूत्रपात के समय भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड लिटन था, यानी कि जब वो शुरू हुआ तो लॉर्ड लिटन था। और अंग्रेजों और अफगान के अमीर याकूब खां के बीच गंडमक की संधि किस वर्ष हुई? तो अंग्रेजों के बीच में और ये अफगान के अमीर याकूब खां के अंग्रेजों और इसके बीच में हुई थी मई 1879 में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति किस वायसराय के शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन। जब ये शुरू हुआ सूत्रपात हुआ तो लिटन था, लिटन के बाद रिपन आया, तब इसकी समाप्ति हुई। किस स्थल को लेकर युद्ध विवाद में अफगानिस्तान और रूस के बीच का माहौल गड़बड़ हुआ और युद्ध की स्थितियां आ गई? तो ये पंचदेह था, पंचदेह स्थल था, इसके लेकर विवाद हुआ था और अफगानिस्तान और रूस के बीच में युद्ध का माहौल आ गया था। तृतीय अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1921 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच दूतावास की स्थापना किस वर्ष ये लागू हुई, किस वर्ष इस पे अमल किया गया? तो 1922 में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में दूतावास बनाया गया था। यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, फिर अगले एपिसोड में आगे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मटेरियल आपको ये पढ़ना है तो upsctarget.com पर विजिट कीजिए, जाके वहां पर लॉग इन कीजिए, फ्री आप कास्ट इन मटेरियल्स को पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।